गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 16 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज द रिसेंटली अनवील्ड 50 ग्राम कलर्ड सोवनर कॉइन ऑफ रामलला प्राण प्रतिष्ठा मेड ऑफ। तो रिसेंटली ही एक रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का कलर्ड स्मारिका सिक्का जारी किया गया है। ये बना हुआ है सिल्वर मेटल का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसे रिलीज किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। इंक्लूड्स लिमिटेड एडिशन कॉइन्स टू सेलिब्रेट इंडियाज रिच कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज। रामलला प्राण प्रतिष्ठा वाले सिक्के के अलावा लॉर्ड बुद्धा का कॉइन और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का कॉइन भी रिवील किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। राम मंदिर से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है वो 51 इंच स्टैचू है। अयोध्या राम टेम्पल में जिसको स्थापित किया गया है, ये मूर्ति आप देख रहे हैं। अयोध्या राम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 5 अगस्त 2020 में। टेम्पल स्टाइल कौन सा है? नागर स्टाइल में बनाया गया है मंदिर। इनॉग्रेशन इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। टेम्पल का डिज़ाइन चंद्रकांत सोमपुरा रवि के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाली कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। और ये जो आइडल है रामलला का, इसे अरुण योगीराज जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। ली सियन लूंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ अनाउंस्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि रेजिग्नेशन दे रहे हैं अपनी इस पोस्ट से। अपनी लगभग 20 साल की सर्विस के बाद अब ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं अपने पद से। सिंगापुर की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मलय, इंग्लिश, तमिल और सिंगापुरियन मैंडरिन है। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के थर्मन शनमुगरत्नम और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन यहाँ देख लेते हैं। आइसलैंड के पीएम बने हैं जॉर्नी बेनेडिक्टसन। जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नेशनल जुडिशियल एकेडमी का हेड बनाया गया है। अनुराग कुमार बने हैं डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं। श्रीनिवास पालिया विप्रो के CEO हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट PM हैं। राहुल सिंह CBSE के चीफ बने हैं। जयदीप हंसराज वन कोटक के प्रेसिडेंट हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है और अब CP राधाकृष्णन तेलंगाना के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। लदा मार्टिन मारबानियांग अपॉइंट हुए हैं एज कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी। पोइला बैशाख इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसको वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाली लोगों का ट्रेडिशनल न्यू ईयर डे होता है। पोइला मीन्स फर्स्ट इन बंगाली एंड बैशाख इज द बंगाली कैलेंडर्स फर्स्ट मंथ। यहाँ पर ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल दिए गए हैं जो अलग अलग रीजन में मनाए जाते हैं फॉर 2 डेज। पंजाब में वैसाखी होता है, केरला में इसको विशु के नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल में पोइला बैशाख, असम में बोहाग बिहू, तमिलनाडु में पुथांडू और उड़ीसा में महा बिशुबा या फिर पन संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? इनका नाम है अवंतिका वंडम्पू। इंडियन अमेरिकन एक्टर हैं ये और साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बनाई गई हैं बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 19 ईयर ओल्ड हैं और इन्हें ये ऑनर दिया गया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड हर इम्पैक्ट इन द इंटरनेशनल एंड इंडियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। वेनिस वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 15 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इस बार की अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेशन कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 15 अप्रैल को रिनोन्ड आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में। लियोनार्डो द विंची वही व्यक्ति हैं जिन्होंने द फेमस पेंटिंग मोना लिसा को बनाया था। यहाँ पर अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल ओडिशा फाउंडेशन डे होता है और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, 5 अप्रैल नेशनल मैरिटाइम डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 9 अप्रैल को CRPF वेलर डे, 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना हुई थी, 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क और 30 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे होता है। हु डिफीटेड कैस्पर रूड टू विन द मोंटे कार्लो मास्टर्स फॉर द 3rd टाइम इन 4 ईयर्स?
मोंटे कार्लो मास्टर्स तीसरी बार स्टेफनोस सित्सिपास के द्वारा जीता गया है। कैस्पर रूड को हराकर ये जीते हैं। ही हैज़ बीन रैंक्ड एज हाई एज वर्ल्ड नंबर 3 बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इन्होंने अब तक 11 ATP सिंगल्स टाइटल जीते हैं। ठीक है, तो आंसर है स्टेफनोस सित्सिपास। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP की यहाँ पर बात करें तो इसे सेटअप किया गया था 1972 में। ATP एडमिनिस्टर करता है वर्ल्ड मेंस टेनिस टूर को। इट ऑर्गेनाइजेस द ATP टूर, द चैलेंजर टूर, द सेकेंड टायर टूर्नामेंट, इसके अलावा मास्टर 1000, ATP 500 और ATP 250 इसमें इसके जो टूर्स होते हैं उसमें इंक्लूड है। ये ग्रैंड स्लैम इवेंट्स को ऑपरेट नहीं करता, विच इंक्लूड द ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। इन सभी को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और नेशनल टेनिस बॉडीज़ के द्वारा। हेडक्वार्टर है ATP का लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट? ये बने हैं रोहित शर्मा। IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और IPL में ही चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट मैच के दौरान इन्होंने ये माइलस्टोन को अचीव किया है। मोस्ट सिक्सेस इन T20 क्रिकेट में देखें तो क्रिस गेल के हैं सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद हैं किरण पोलार्ड और थर्ड नंबर पर इसमें है एंड्री रसल। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री ओनली इंडियन फुटबॉलर हैं जिन्होंने 150 मैच अपने कंप्लीट किए हैं। साथ ही बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल फ्लैग बियरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। पंकज आडवाणी ने ज्वाइन किया है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। पोलिश ग्रैंड प्रिक्स अखिल और अनीश ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया के टोटल 6 मेडल हैं इसमें। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 RCB जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। मुंबई जीता है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने सर रिचर्ड हेडली मेडल जीता। एलिस पेरी बनी है पहली प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर के द्वारा होस्ट किया गया नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। टू विच कंट्री डिड जनरल मनोज पांडे डिपार्ट ऑन ए विजिट फॉर बायलेटरल डिफेंस टॉक्स एंड टू विटनेस अ मिलिट्री एक्सरसाइज? बायलेटरल डिफेंस टॉक्स के लिए जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान में गए हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान और फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है, सोवियत का पार्ट हुआ करती थी पहले। कैपिटल है यहाँ की ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव और प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला आरिपोव। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड? तो भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी ऐड की है, यह 18.48 गीगावाट की, पहले से 21% हायर है ये। टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी अब हमारी है 143.64 गीगावाट। एम है हमारा 500 गीगावाट करने का 2030 तक। इसको पूरा करने के लिए पर ईयर 50 गीगावाट हमें इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, तो अभी टोटल इतनी है, हमने कितनी बढ़ाई है 2023-24 में 18.48 गीगावाट, जो 21% ज़्यादा है पहले से। गुजरात एंड राजस्थान हैव द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अबाउट 27 गीगावाट ईच। और फिलहाल हमारे पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह। अपकमिंग टारगेट इंडियन गवर्नमेंट के कौन से हैं, यहाँ देखते हैं। 2024 तक अचीव करना है जीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 100% रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन 2024 तक, हर घर जल 2024 तक, PM विजन ऑफ $5 trillion इकोनमी बाय 2025, ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल इन पेट्रोल 2025 तक का है, TB को एलिमिनेट करना है 2025 तक, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाय 2025, पूरे इंडिया को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करना है 2025 तक, टू मेक कंट्री मलेरिया फ्री बाय 2027 और मलेरिया को इरेडिकेट करना है 2030 तक, इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है 2030 तक, ग्रीन रेलवे बाय 2030, रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज़ को जीरो करना है 2030 तक और एनर्जी इंडिपेंडेंट भारत को बनना है 2047 तक। DRDO एंड इंडियन आर्मी हैव रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ MPA-TGM वेपन सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है MPA-TGM की? इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडिजिनसली DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और अभी सक्सेसफुली इसका ट्रायल कंडक्ट किया गया है। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। DRDO की बात कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। प्राइमरी एजेंसी है भारत में फॉर कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू द कंट्रीज डिफेंस।
डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के सब्सिडरी यूनिट के रूप में ऑपरेट करती है ये। DRDO का प्राइमरी फंक्शन है टू डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एडवांस्ड सेंसर्स वेपन्स एंड इक्विपमेंट। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बाय जॉइनिंग ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। कौन बने हैं पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट? चार ऑप्शन में से बताना है इसका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।